वाराणसी के रोहानिया में स्थानीय थाना क्षेत्र के बारीपुर गांव में विगत 3 दिन पहले दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसको लेकर सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने राजा तालाब तहसील का घेराव कर तहसील के सामने गंगापुर जाने वाली रोड पर लेटकर जाम कर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। मिली जानकारी के मुताबिक बारीपुर गांव की सैकड़ों महिलाएं व पुरुष चौकी प्रभारी जख्मी के एक पक्षीय कार्यवाही से क्षुब्ध होकर गांव से पैदल पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा व हाथों में तख्ती लेकर मंगलवार को तहसील राजा तालाब पहुंचे और एसएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे और गेट पर बैठकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर लेटकर सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिससे सरकारी अफसरों को गाड़ी बाहर खड़ी कर पैदल तहसील में प्रवेश करना पड़ा। तहसील पर जाम व प्रदर्शन की सूचना लगते ही प्रभारी निरीक्षक रोहानिया प्रवीण कुमार चौधरी मैं पुलिस बल मौके पर पहुंचे और बात करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित महिलाएं एसएसपी को बुलाने की मांग पर अड़ी रहीं। प्रभारी निरीक्षक ने काफी समझाने का प्रयास किया, महिलाएं उनसे भी उलझ गईं। जवाबी कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक रोहानिया भी सड़क मार्ग जाम करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में चालान करने की भी नसीहत दी, लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं सुलटा। घंटों बाद एसडीएम राजा तालाब मणिकंदन ए पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक रोहानिया प्रवीण कुमार चौधरी व पीड़िता सरिता व कैलाश को कार्यालय में बिठाकर वार्तालाप की और संबंधित के खिलाफ जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही की बात कही, लेकिन वार्तालाप के बाद भी महिलाएं संतुष्ट नहीं थी। प्रशासन के द्वारा चालान करने की बात के डर से धीरे धीरे भीड़ वापस चली गई। वहीं पीड़िता सरिता देवी का कहना रहा कि होलिका गाड़ने वाले लोग लक्ष्मीरामपुर के हैं, जो बारीपुर में होलिका जबरन गाड़ रहे हैं, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं और रास्ते के विवाद में मारपीट भी हुई थी। अधिकारियों के इस आश्वासन से वे लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह का झूठा आश्वासन हमेशा मिलता रहा है। वे लोगों के साथ मारपीट करने व कराने वालों में जिला पंचायत सदस्य गुड्डू तिवारी रमेश व ग्राम प्रधान श्याम सुंदर राजभर के इशारे पर दूसरे गांव वाले मारपीट करते हैं और इनके प्रभाव से पुलिसकर्मी पीड़ितों के ऊपर पुलिसिया कार्यवाही करती है। वाराणसी से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चंद्रावती, क्या मामला है, किस लिए आप लोग धरने पर बैठी हैं? हम धरने पर बैठे हैं कि हमारे घर में पहले तो आजू की राती का पुलिस दरोगा जानन की घुस के हमारा अथवा हमारे दीवार तोड़ देना है, दीवार तोड़ देना है, हमारे किवाड़ी पीट के एकदम घर में घुस गईलन। हम लोग सुतर लली तो हम लोग से पूछे कि कहाँ गए, तो हम कहे कि तुम लोग कैसे घर में आए पहले, तो कह रहे कहाँ गए बोलो ना, कहाँ गए बोलो ना, तो हम लोग के डर के बारे ना ही बोले। फिर वो सब कोठा पर चढ़ गईलन, कोठा पर ले मार तीनों घर पुल ढूंढलन, तो कि हम बस के बंद है, तो हमके बस को साहब बस को तो निकाल दिले अथवा कर दिली, तो ये सब बहरे चली अलन। फिर तो ओकरे बाद जौन है कि लड़का हमार मार खेले रहा परसों 14 दिन। क्या नाम है लड़के का? लड़का का लालू नाम है, लालू नाम है। तो वो हमार जात रहा लड़का जन है कि दाढ़ी बार बनावा खाली रोड धके, तो वो लड़का के घर अथवा घरे में फकड़ी लगा के घींच के अपने दुआरे घरे में ले जाके बल भर मरलन, बल भर मरलन। तो हमारा लड़का जो हो कि हमने फिर गए धरना पर, तो वहाँ जमानत करा गल, तो वहाँ से फिर लड़का आयल, तो फिर घर में अथा 3 दिन हमने कहे कि जाद बची भर्ती रहो, भर्ती हमारा लड़का रहल, तो फिर का लाल हमारा लड़का, तो आज ये सब फिर पकड़ उलन हमारे लड़का के जबरी कुल्ला कर जात रहा बापे पुते के दोनों जने के पकड़वा के बल भर आजू के मल्ले बन। फिर वो दिन का वो सब मल्ले बन, आजू का फिर पुलिस दरोगा मल्ले बन बल भर। प्रशासन जो पूछेगा वो कहेगा, प्रशासन जब हमने से पूछी तब हम बताई यह क्या बात है। हम लोग थाना पर गए वो नहीं सुनवाई भल, चौकी पर गए वो नहीं सुनवाई गल, हम लोग तो गरीब आदमी है, ठाकुर बाबन दंगाई करते हैं एकदम एकदम, जैसे खाए जिए में हमने लोग के हराम कैले बन, हम लोग तो रोज कुआ खाना तब ना हम खाब सर जी। सब बोलते हैं कि